सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी एंड टुडे मैं आपको बताने वाली हूँ कि SBI PO जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2021 में, तब मेरा जो एग्ज़ाम था वो 0.17 से मैंने मिस किया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मैंने क्या गलतियां की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए, और मैंने जो गलती की थी वो अगर मैं डे वन पे मुझे कोई बताता आपकी तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझे किसी ने बताई होती तो मैं आज SBI में काम कर रही होती। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो से ज़रूर सीख सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। बाकी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताओ आप में से किस किस को SBI PO बनना है। मैं बहुत अच्छी, आई होप जो जो ये वीडियो देख रहा है उन सबको SBI PO कहीं ना कहीं बनना है, क्योंकि एक SBI जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, RBI से भी ज़्यादा बड़ा ब्रांड SBI है। गांव में हर इंसान किसी बैंक को जानता है तो वो सिर्फ SBI है। कोई प्राइवेट बैंक नहीं, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, किसी को नहीं जानते, लोग सिर्फ SBI को जानते हैं। लोग बैंक को ही SBI समझते हैं, मतलब बैंक होगी तो वो SBI होगी। जैसे हम मैगी को मैगी बोलते हैं ना, नूडल्स नहीं बोलते। तो इसी तरीके से SBI एक बहुत बड़ा ब्रांड है। RBI को एक बार के लिए लोग नहीं पहचानते जितना SBI को जानते। तो अगर आप SBI में जा रहे हो आपको ह्यूज रिस्पेक्ट मिलती है। अर्बन एरियाज में हो सकता है कम रिस्पेक्ट मिले, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में जाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। मैं यूनियन बैंक में हूँ, मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, हर कोई मुझसे, दुगनी उम्र वाले लोग मुझसे हाँ जी 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 करके बात करते हैं। तो सोचिए SBI में अगर आप मैनेजर होंगे तो आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वही मैं आज वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ कि ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। डे वन से इसको अपने शेड्यूल में डाल दीजिएगा। 15 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है ये जो मैं बताने वाली हूँ आपको, बट अगर आप इस 15 मिनट को, डेली के 15 मिनट को अगर आप छोड़ देते, स्किप कर देते हैं, तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आज तक मैं वो नुकसान भुगत रही हूँ। कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही है कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत करते हो। मैंने SBI और IBPS दोनों उसी साल में दिए थे, और मुझे ज़्यादा उम्मीद SBI से थी। मुझे लगा था कि SBI मेरा ज़्यादा अच्छा गया है, IBPS से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। और जब मेरा SBI नहीं क्लियर हुआ था तब मुझे लगा कि अब पता नहीं IBPS भी क्लियर होगा या नहीं, बट फॉर्चुनेटली वो क्लियर हो गया था। तो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या चीज़ करनी है। देखो, मैंने कोई नॉर्मल गलती नहीं की थी, जो नॉर्मल बच्चे करते हैं ना। क्या गलती करते हैं नॉर्मल बच्चे, कि टीयर वन पे मतलब एक्सक्लूसिव फोकस देते हैं, टीयर टू को, मतलब सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, SSC वाली भाषा, प्रीलिम्स को एक्सक्लूसिव फोकस में रखते हैं और मेन्स को भूल जाते हैं। राइट, मेंस को बिल्कुल भी फोकस में नहीं रखते हैं, मेंस की तैयारी नहीं शुरू करते हैं, हमेशा प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, मेंस का मॉक टेस्ट देने से भी डर लगता है। बट यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी मेंस का मॉक टेस्ट दिया है? नहीं। तो यही कहानी हर स्टूडेंट की, हर एस्पिरेंट की है। मतलब 70-80% लोग जो अभी तक कोई मेंस में अपियर नहीं हुए, उन्होंने मेंस का मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया है, इतना डर लगता है मेंस से लोगों को। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या गलती करते हैं कि इन दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन मैंने हमेशा अपने वीडियोज में बोला है कि हमेशा प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना है। लेकिन आप लोग नहीं समझते हो, आपको समझ में आती नहीं है। मैंने ये वाली तो गलती नहीं की थी, क्योंकि मैं खुद अब जब आपको इस प्लेटफॉर्म से बता रही हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलना है, मतलब मैंने खुद तो प्रीलिम्स मेंस साथ में ही लेके चला होगा। इसलिए मैंने क्या गलती की थी, मैंने इंटरव्यू को साथ में नहीं लिया था। मैंने पहले मेंस क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं भूल गई थी कि पिछली बार IBPS PO में मेरा 2020 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें भी आई स्कोर्ड अप्रॉक्स 70 out of 100 इन इंटरव्यू, उसमें थोड़ा अच्छा स्कोर रहा होता तो मैं एक साल पहले IBPS क्लियर कर चुकी होती। बट मेरा ये नहीं निकला, मैं फिर भी मैंने इंटरव्यू पे फोकस नहीं दिया। मैंने ये नहीं दिमाग में सोचा कि क्या पता मेरा इंटरव्यू वाला जो पोर्शन है वो वीक रह रहा हो।
तो मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन डे वन से स्टार्ट नहीं की, और वही गलती हर एस्पिरेंट करता है। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स तो प्रीलिम्स मेंस ही नहीं ले चल पाते हैं। अभी कई सारे लोग मुझसे कहेंगे, अरे मैडम हम यहाँ प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन में जूझ रहे हैं, हम मेंस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप इंटरव्यू की बात कर रही हैं। तो देखो सिलेक्शन अल्टीमेटली आपका SBIPO में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन आपका SBIPO में इंटरव्यू से ही होने वाला है। लेट मी टेल यू, ये इंटरव्यू होता है 50 नंबर का और ये कन्वर्ट होता है 25 नंबर में, कहीं ना ही कहीं कट ऑफ 50 जाती है 100 में से, ठीक है। तो अगर आप 50 में से 50 नंबर लेके आ जाते हो SBIPO में, जो कि बड़ी बात नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स लेके आते हैं, तो अगर आप 50 में से 50 नंबर लेके आ जाते हो तो इस 50 की कट ऑफ में से 25 नंबर सीधा सीधा इंटरव्यू के काउंट होते हैं आपके, और 25 नंबर मेंस के, जो कि अगेन बड़ी बात नहीं है। मेंस में बहुत कम स्कोर से भी आप इतना स्कोर कर सकते हो, और मेरा मेंस में स्कोर था +30, कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर मैं स्कोर की थी, स्टिल आई वाज आउट इन SBIPO जस्ट बाय 0.17। व्हाई डज दिस हैपन? इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने इंटरव्यू की प्रेपरेशन साथ में नहीं लेके चली। तो ये 15 मिनट जो आप डेली अभी से देने वाले हो मेरे बोलने के ऊपर, वो आपको कितना हेल्प करने वाले हैं, अब आपको इस इम्पॉर्टेंट समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो यू कैन शट दिस वीडियो, आप दूसरा वीडियो देख सकते हो। बाकी लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा लाइक कंसिस्टेंसी आप नहीं कंसिस्टेंसी के साथ आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो और आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं हो रही है, तो यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे वी हैव स्टार्टेड अ चैलेंज ऑफ 30 डेज इन विच वी आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर 6, और ये चैलेंज हम सब ने साथ में मिलके लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें मुझसे पहले भी उठ जाते, कई सारे बच्चे 4 बजे उठ के गुड मॉर्निंग करके मैसेज करते हैं, एंड व्हेन यू सी योर कॉम्पिटिटर्स इन सच अ पेस कि यार ये लोग इतनी जल्दी उठ रहे हैं सुबह, तो आपका भी उठने से अंदर से उठने का मन करेगा जल्दी। तो आप इस इनिशिएटिव में बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हो, और अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। नेक्स्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, 1 अक्टूबर को आई वॉन्ट 50K सब्सक्राइबर्स, तो अगर आप लोग कुछ भी थोड़ा भी हेल्प कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिएगा, आप अपने फोन से और अपने फैमिली के फोन से तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं ठीक है, तो ये बस कर लेना अगर आप ये प्यारी सी शक्ल रोज देखना चाहते हो। कितनी औसम है यार। अब मैं रोज वीडियोस बनाती रहती हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो 15 मिनट अब आपको करना क्या है, वट इज द लाइक ओवरऑल स्केड्यूल फॉर दीज 15 मिनट्स। आई एम नॉट टेलिंग यू टू रीड बैंकिंग अवेयरनेस, आई एम होपिंग दिस कि आप GA का पार्ट समझ के पढ़ रहे हो ऑलरेडी। बैंकिंग अवेयरनेस पे सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, फ्री सोर्सेज बता दिए हैं जो मैंने इस्तेमाल किए थे बैंकिंग अवेयरनेस को क्रैक करने के लिए, तो वो आप पूरा देख सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपसे सवाल किए जाते हैं कि बैंक में ये क्या चीज़ होती है, चेक क्या होता है, और चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या होता है, CTS क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आपसे पूछी जाती है। तो आई होप आप बैंकिंग अवेयरनेस तो कवर कर ही रहे हो, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, वहाँ पे 3 बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, जिनमें से आपको सिर्फ 2 को ही रोज़ फॉलो करना है, और आधे घंटे का स्केड्यूल भी बता रखा है। लेकिन ये 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपको अकेले शांति में एकदम मिरर के सामने खड़े होना है। मिरर के सामने खड़े होके यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ एंड यू हैव टू आंसर देम, ठीक है। जैसे आप कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बना सकते हो जो आपसे इंटरव्यू में मेनली पूछे जाएंगे, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है एस्पिरेंट से कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो खुद से अपने आप को मिरर के सामने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो कि मेरा नाम ऐसा, अपना खुद ड्राफ्ट करो आंसर कि वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे आंसर करोगे। थिंक लाइक यू आर इन एक्चुअल इंटरव्यू, इससे क्या होगा, आप इमेजिन करोगे, आप विजन देखोगे कि आई एम सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका मेंस भी क्लियर होगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगी,
तो वहाँ पे आप अपने आप को इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो मुझे क्या क्या ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए जिससे मेरे इंटरव्यूअर्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़े, मेरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए और मेरा पूरा इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आप अपने आप को जो जो चीज़ें जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, सो इफ़ यू आर टेलिंग दैट आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस प्लेस, सो यू शुड हैव कम्प्लीट नॉलेज ऑफ दैट प्लेस कि भाई साहब मैं इधर से हूँ, मैं जैसे भोपाल से हूँ तो भोपाल के बारे में मुझे एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, भोपाल में घूमने की जगह कहाँ कहाँ पे है, भोपाल में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्टोरिक हैं, जिसका हिस्ट्री में कहीं ना कहीं उल्लेख है, ठीक है मैंने इस प्लेस बताया। अगर मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया, अपने पापा के बारे में, उनका प्रोफेशन बताया तो उनके प्रोफेशन के बारे में मुझे पता होना चाहिए। मैंने जो भी अपने इंट्रोडक्शन में बताना है वो सारी चीज़ों का मुझे कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, दैट्स द रियल मोटिव बिहाइंड योर इंट्रोडक्शन। वो लोग इंट्रोडक्शन लेते ही इसलिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी में जो जो चीज़ें हैं वो सब बायोडेटा में आपके लिखी रहती हैं, बायोडेटा हमें भरना होता है जैसे हमारा मेंस क्लियर होता है, तो बायोडेटा में ऑलरेडी एवरीथिंग इज रिटन, बट आप उस पर्सनैलिटी में से उस इतना 100% में से किस कुन 2% चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो जो आप 2 मिनट में अपने आप को इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल करोगे, तो उसी पे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, कोई भी दूसरा क्वेश्चन जैसे कि अभी NPA का कुछ चल रहा है तो NPA के बारे में बताओ, NPA होता क्या है, NPA एसेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और कोई बड़ा सा NPA का कोई घोटाला का बताओ, उसमें क्या हुआ था, कोई भी अगर एग्जांपल भी दे रहे हो तो उस एग्जांपल के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे आपने विजय माल्या का दिया तो विजय माल्या अभी कहाँ हैं और किस किस चीज़ों क्या क्या किया था उन्होंने, किस बैंक, कौन सी बैंक का मेजर स्टेक था, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यही पूरे इंटरव्यू का जो होता है मोटिव कि आपके बारे में वो जानना चाहते हैं और आप कैसे अपनी स्किल्स रख रहे हो उनके सामने, कैसे कल को अगर आपके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाएगी, कोई बहुत ही गंदा कस्टमर आ जाएगा तो आप उससे डील कैसे करोगे। कुछ कुछ जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपसे रूडली बात करते हैं तो वो चेक करने के लिए कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, तो आपको डरना नहीं है कि यार ये मुझसे रूड क्यों बात कर रहा है, वो जानबूझ के करते हैं ताकि आप उनको एक अच्छा रिप्लाई दे पाओ, एक पॉजिटिव सेंस में आपको उनको रिप्लाई देना है, आपके एक एक सेंटेंस में पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ये बंदा अगर मेरी ब्रांच में आ गया ना तो ये उड़ा देगा, ब्रांच का बहुत अच्छा बिजनेस ले जाएगा, कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, एक एक चीज़ बहुत बढ़िया होगी। तो आपको वो दिखाना है, कॉमन सेंस होना चाहिए आप में, एक एक चीज़ जब वो पूछ रहे हैं तो आपका बिल्कुल कान एकदम एक्टिव होने चाहिए, ये नहीं कि आप बार बार पूछ रहे हो उनसे कि क्या बोला आपने, क्या बोला, एक बार पूछ लिया ओके कोई बात नहीं, कभी कभी स्किप कर जाता है लेकिन बार बार आपको नहीं पूछना है। और जो मीडियम आपने लिखा है वहाँ पे आपसे पूछते हैं वो किस मीडियम में आप इंटरव्यू देना चाहते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, तो आपको वही मीडियम सेलेक्ट करना है जिस मीडियम में आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। ये नहीं सोचना है कि यार मैं अगर हिंदी लिखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे नंबर कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई सारे लोग हिंदी मीडियम वाले भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं एग्जाम और बहुत अच्छे से फोड़ देते हैं, बट आपको ये याद रखना है अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो हिंदी के वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ये नहीं कि आपको नॉर्मल हिंदी आती है, कुछ ना कुछ। अगर आप इंग्लिश चूज़ करो तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए आपका, हिंदी चूज़ करो तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए। आपको इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को रोज़ 15 मिनट दे के डेवलप करना है। ये 15 मिनट की मैं बात कर रही हूँ जो मैंने नहीं दिए थे कहीं ना कहीं, इसलिए मेरा 0.17 से सिलेक्शन रुका। ऐसे कई सारे लोग थे जिनका 0.01 से भी सिलेक्शन रुका था। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके, अगर मेरे आधे नंबर भी ज़्यादा आते तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाता, क्योंकि आधे नंबर का मतलब 0.5 नंबर ज़्यादा आते तो वो आधा हो जाता, 0.25 काउंट होता और मुझे 0.17 की ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि काश उस वक्त मुझे किसी ने बताया होता तो मैंने प्रैक्टिस की होती बहुत ज़्यादा, और मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए थे। मॉक इंटरव्यूज़ हमेशा दिया करो, अभी जब तक आपका मेंस नहीं क्लियर हो रहा है तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन करते रहा करो कि अच्छा तू मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जो भी आपके बडीज़ हैं जो साथ में तैयारी करते। बाकी जब आपका मेंस क्लियर हो जाए तो एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट दो आप,
दूसरी बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज होती है फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल कराती हैं, उनके पास जाके आप मॉक टेस्ट दो, कुछ फिजिकल दो, कुछ जूम मीटिंग्स पे दो। इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को कुछ ना कुछ यू नो डेवलप करते रहो अपनी पर्सनालिटी को, तभी आपका कुछ यू नो वो बाहर आएगा कि आप लायक हो SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है आपको डे वन से। प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन तो करनी है, बट इंटरव्यू को भी साथ में लेके चलना है। ये चीज़ कोई नहीं बताता है, हर कोई प्रीलिम्स का, ज़्यादातर लोग तो सिर्फ प्रीलिम्स का बता के चले जाते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मेंस का बहुत कम गाइडेंस मिलता है यूट्यूब पे। मैं आपको मेंस के भी वीडियोस प्रोवाइड करती रहती हूँ कि मेंस को कैसे आपको फोड़ना है, और साथ ही साथ इंटरव्यू के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया। और भी कई सारे मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है इंटरव्यू गाइडेंस पे, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। मेरा आप वीडियो चेक कर सकते हो जो मैंने अपना SBI इंटरव्यू पे बनाया था कि मुझे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, कैसे मैंने किस तरीके से आंसर किया था और मैंने कहाँ गलतियाँ की थी, तो वो आप समझ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और ये वाला याद रखना ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।